जब प्रिंसि हाँ जब प्रिंसिपल जब से आए तब से फीस लग रहा, पहले नहीं लगता था, सब माफ था। अच्छा। मतलब बहुत यहाँ पर प्रॉब्लम है छात्रों का, कौन सुनेगा। वो देखिए गार्ड साहब है, गार्ड साहब है, उनसे पूछिए, उनसे पूछिए कि आपकी बहाली कैसे हुई है, पूछिए उनसे। अच्छा। कोई संगठन से आया है, पूछिए उनसे। जाति के आधार पर बहाली होता है। एक लड़का का बहाली 1 तारीख को हुआ है। अच्छा। उसके पहले वो कंप्यूटर सेक्शन में क्या करता था, लेखापाल के कंप्यूटर कैसे छूता था। अच्छा। किस ऐसे छूता था, किसके आदेश पर छूता था, ये जांच का विषय है। सब प्रूफ है, हम सब आपको प्रूफ देंगे, सब वीडियो देंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल से लेकर जितना बड़ा बाबू हो चाहे जो हो, सब अपने मनमानी करते हैं। यहाँ पे अपने चैम्बर में बुलाकर स्टूडेंट लोग को गाड़ी देते हैं, वो भी हम आपको प्रूफ देंगे। लड़का लोग जब एग्जाम देता है एग्जाम हॉल में, तो ये फैन बंद रहता है। देख सकते हैं प्रिंसिपल सर हैं जो आ रहे हैं, क्योंकि प्रदर्शन इसलिए कि यहाँ न पेयजल की व्यवस्था है, लड़कियों का फीस यहाँ तानाशाही तरीका से लिया जा रहा है। पहले एक क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? सारी बात गलत है। सब बड़ा बाल बच्चा है, इसलिए हम इसे क्षमा करते हैं। क्षमा करते हैं। प्रदेश के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है? तो देख सकते हैं कि दर्द इसलिए है कि ये सब जो है ना, कुल हमारा जिगर का टुकड़ा है। बात समझ लो, बात समझ लो, हमको इसका तकलीफ है कि नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार, एसबीएस तक में आपका स्वागत करता हूं। मैं इस वक्त बाढ़ एनएस कॉलेज के प्रिंसिपल सर के ऑफिस के बाहर हूं और यहां पर छात्रों का आंदोलन किया जा रहा है। छात्रों द्वारा क्या कुछ वजह है जो छात्र हैं जो इतने आंदोलन पर उतरे हैं प्रिंसिपल सर के विरोध में? तो देख सकते हैं कि तमाम तरह के यहाँ के छात्र हैं जो आपको दिखाई दे रहे होंगे और यहाँ पर है जो प्रिंसिपल सर के ऑफिस के बाहर ही हैं। तो मैं इनसे ही जानने का प्रयास करूँगा कि क्या कुछ वजह है जो छात्रों को प्रदर्शन करने का। नमस्कार भैया, क्या नाम हुआ आपका? नाम केशव हुआ। केशव कुमार जी, क्या कुछ वजह रहा है जो आप सबको आज प्रिंसिपल सर के ऑफिस के बाहर है जो आपको धरना प्रदर्शन? समझिए पत्रकार महोदय कि कितना बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों का। अच्छा। कि 1950 का यह कॉलेज है। अच्छा। और पीने के पानी के लिए हम लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। पीने के पानी, शुद्ध पीने के पानी नहीं है व्यवस्था महाविद्यालय में। अच्छा। अब छात्रों को बैठने की व्यवस्था नहीं है, छात्राओं को बैठने की व्यवस्था नहीं है। अच्छा। पुस्तकालय के नाम पर 200 रुपया लिया जा रहा है, बच्चों को बैठने की व्यवस्था नहीं है पुस्तकालय में। ये देखिए एक आदेश है, व्यवस्था नहीं है बैठने की, ये देखिए विश्वविद्यालय का आदेश है कि सभी SC ST बॉयज और सभी छात्राओं का फी माफ हो। यह मुख्यमंत्री का सपना है कि स्नातकोत्तर तक बच्चियां फ्री पढ़े और SC ST के बॉयज फ्री पढ़े। मैं पूछना चाहता हूं प्रचार से कि क्या आप विश्वविद्यालय से बड़े हो गए हैं? क्या आप विश्वविद्यालय के आदेश को नहीं मानते? एक और आदेश है, राजभवन का आदेश है, वो कागज कहाँ है हमें दिखाइए, कि जिसमें लिखा गया है कि आप कॉलेज में जो RSS एक संगठन है, सेक्रेटरी एजेंसी है, उसके द्वारा मैन पावर की बहाली करेंगे। ये प्राचार्य अपने मन से जिसका मन हो रहा है उसका बहाली कर रहे हैं। ये बताइए, जब इनसे पूछने जाते हैं तो ये FIR करने की धमकी देते हैं। अच्छा। ये घर पर जाकर धमकी देते हैं, FIR देने की धमकी देते हैं, धमकी करते ये घर पे जाते हैं और घर पर जाके कहते हैं कि मैं रंगबाजी पे उतर जाऊंगा तो तुम बाहर में रह लोगे, तुम लखीसराय से आके नेतागिरी कर लोगे। आप सबको भी ऐसी धमकी मिलता है? सभी को मिलता है क्या? सभी को मिलता है? अच्छा। ये प्रचार की भाषा है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, वो जो मैं कहने चाहता हूँ उनसे कि आप SC ST के फीस माफ कीजिए, तो वो कहते हैं थोड़ा की मतलब SC ST से। बताइए क्या मैं छात्र नहीं हूँ? मैं जाति देखूँ छात्र में, मैं जब चुनाव लड़ा मुझे चुनाव जिताया, हर एक जाति के लोगों ने चुनाव जिताया, और मैं जब 2018 में चुनाव जीता ये फीस माफ था, 2020 तक फीस माफ था, ये 21 में प्रचार के रूप में आए हैं और तभी से ये तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं। पहले फीस माफ था क्या? 2021 से पैसे लिए जा रहे हैं, पहले माफ था SC ST के बॉयज और गर्ल्स के लिए बिल्कुल फ्री थी, लेकिन इस बार से पैसे लिए जा रहे हैं। सभी वर्गों की लड़कियां का सबका माफ था और SC ST के बॉयज का भी माफ था। ये देखिए पत्रकार साहब, ये देखिए विश्वविद्यालय का आदेश है, उसमें साफ लिखा है कि राज्यपाल सचिवालय बिहार के पत्रांक इतना से दिनांक इतना के बीच में RSS संस्था के द्वारा आपको मैन पावर की व्यवस्था करना है। अच्छा। आप पता कर लीजिए, जांच की विषय है, आप जांच कर लीजिए क्या एक भी व्यक्ति इस संस्था के द्वारा यहाँ हुआ है। और 1 तारीख को एक प्रचार ने एक बहाली की है इसी अकाउंटेंट ऑफिस में, ये जितेंद्र कुमार नाम का अकाउंटेंट कॉलेज को लूटने का काम कर रहा है। साथियों लूटने का सही बात है क्या? अपने लोगों की
की बहाली करता है। अच्छा। एक तारीख को बहाल हुआ है, अपने लोगों की बहाली देख के करता है, जाति के आधार, जाति के आधार पर बहाली होता है। एक लड़का का बहाली एक तारीख को हुआ है। अच्छा। उसके पहले वो कंप्यूटर सेक्शन में क्या करता था? अच्छा। लेखापाल के कंप्यूटर कैसे छूता था? अच्छा। किस ऐसे किसके आदेश पर छूता था? ये जांच का विषय है। क्या इसका जवाब प्रभारी प्रचार्ज हमें देंगे? चार सप्ताह में दो दिन आते हैं प्रभारी प्रचार्ज, क्या हमारा कॉलेज अनाज हो गया है? दो दिन आते हैं बस, सही बात है, दो दिन आते हैं। अच्छा, तो आप उनसे प्रश्न नहीं करते हैं कि क्या बात है ऐसे? हाँ, तो बोले कि बस कोई वजह जब प्रिंसिपल, हाँ जब प्रिंसिपल जब से आए तब से फीस लग रहा, पहले नहीं लगता था, सब माफ था। अच्छा। मतलब बहुत यहाँ पर प्रॉब्लम है छात्रों का, कौन सुनेगा, बहुत दिक्कत है हम लोग का, समस्या, लड़की लोग जो है ना इसमें जुटती है, डर लगता है सबको, मगर मैं अकेले ही हूँ, मगर धीरे धीरे करके और सब जुड़ेगा, क्योंकि तानाशाही नहीं चलेगा। अच्छा, तानाशाही नहीं चलाना, नहीं चलना। अब प्रिंसिपल सर के इन रवैयों के वजह से आप सब परेशान होकर के, हाँ, पानी एक छोटा सा मुद्दा है, मगर हम लोगों को यहाँ पर लड़ना पड़ रहा, पानी है यहाँ पर, शौचालय नहीं है, लाइब्रेरी पढ़ाई पढ़ने के लिए मतलब जगह नहीं, बहुत तरह का दिक्कत है। इतना बड़ा कॉलेज सिर्फ महाविद्यालय सिर्फ नाम का है, सिर्फ हम लोग किस लिए पैसे देते हैं हर चीज़ के? आइडेंटिटी कार्ड एक बहुत छोटा सा मुद्दा है, मैं उसके लिए हम लोग जाते हैं साहब का 100 रुपये देना पड़ता है, बताइए सब, यही सब के लिए हम लोग, और हम लोग की मांगे सुनना पड़ेगा, वरना हम लोग ऐसे ही आंदोलन करेंगे, करते रहेंगे। शौचालय बहुत गंदी रहता है, बहुत गंदा रहता है। अच्छा, खाली आपको कॉलेज में ना सबसे शुद्ध जगह, साफ जगह ये प्रिंसिपल चैम्बर ही दिखेगा, और इनका कारी, इनकी फॉर्च्यूनर गाड़ियां लगती है रूम में, ऑफिस में एसी मिलेगा, मगर स्टूडेंट के लिए फैन तलुक आपको ठीक नहीं मिलेगा, जहाँ पर स्टूडेंट अच्छा कर रहा है। सब प्रूफ है, हम सब आपको प्रूफ देंगे, सब वीडियो देंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल से लेकर जितना बड़ा बाबू हो चाहे जो हो, सब अपने मनमानी करते हैं, यहाँ पे अपने चैम्बर में बुलाकर स्टूडेंट लोग को गाड़ी देते हैं, वो भी हम आपको प्रूफ देंगे। लड़का लोग जब एग्जाम देता है एग्जाम हॉल में, तो ये फैन बंद रहता है, और यहाँ एसी में लोग फैन बंद रहता है। हाँ, यहाँ पे सब डिपार्टमेंट में देखिए एसी लगा हुआ है, वो देखिए गार्ड साहब है, गार्ड साहब है, उनसे पूछिए, उनसे पूछिए कि आपकी बहाली कैसे हुई है, पूछिए उनसे, कोई आरएसएस संगठन से आए हैं, पूछिए उनसे, आपकी बहाली कैसे हुआ है सर, कैसे हुआ आपकी बहाली, आप यहाँ पे ड्यूटी पे आए हैं, कैसे आए, किसके थ्रू आए, आपकी यहाँ बहाली कैसे हुआ है, आप यहाँ कॉलेज के जरिए, अच्छा कॉलेज के जरिए, प्रिंसिपल सर ने आपकी यहाँ पर बहाली की है क्या? हाँ, तो आप कौन कर रहे हैं? प्रिंसिपल सर ने, प्रिंसिपल प्रिंसिपल सर ने हमारी बहाली की है, लेकिन आप देखिए ना, आदेश आपको दिखा रहे हैं हम। अच्छा, अब राजभवन का आदेश है, इसको पारित ये नहीं कर रहे, मैं यही आरोप है कि इनको जिनका मन होता है उनका बहाल कर रहे हैं बिना नियम बिना कानून के। ये अपने आप में राजभवन है, नियम एक बार दोबारा बता दीजिए। ये देखिए सर, राज्यपाल सचिवालय बिहार के पत्रांक PPU 11/2019-22-23 GS, आप लोग देखिए, RSS सिद्धि रीति सिटी सेक्रेटरी सर्विसेज का केंद्रीय की एजेंसी के रूप इनके द्वारा है जो बहाली करना था, लेकिन प्रिंसिपल सर है जो इस एजेंसी से लेना है, इनको एजेंसी से लेना, ये अपने मन से बहाली कर रहे हैं, इसका गवाह आपको वहां दिया है। अच्छा, तो आपको गार्ड ने कहा दिया है, और भी कई ऐसा स्टाफ है जिसको इन्होंने डायरेक्ट बहाल कर दिया है। अच्छा, डायरेक्ट अगर कोई बोलने जाए इनको तो उसको लोभ देते हैं, थोड़ा बहाल कर देवो तो चुप रहा, थोड़ा यही कर देवो तो चुप रहा। प्रिंसिपल का इतना मतलब अति है कि बच्चा लोग मिलने के लिए इंतजार कर रहा है, देखिए अपने केबिन से निकल नहीं रहे हैं, मतलब इतना मनमानी कर रहे हैं। ऐसी डिपार्टमेंट ए बी सरकारी कॉलेज है, यहाँ देखिए हमारा 210 रुपया लग रहा है, लड़का लोग का 1510 रुपया लग रहा है, ए बी पाटलिपुत्र से ये फ्लैटेड है, वहाँ पे 210 रुपया लग रहा है, इसी कॉलेज में 22 तारीख से कॉलेज ही के में 22 तारीख मास्टर छुट्टी में, कहाँ से खेलल जाएगा बच्चा, बोलिए बुला लेते हैं, बाहर क्यों नहीं जा रहे हैं, बाहर बुलाते हैं। प्रिंसिपल सर यहाँ पर थोड़ा आकर आ जाइए, 2 मिनट सर, देख सकते हैं प्रिंसिपल सर हैं जो आ रहे हैं, क्योंकि देख सकते हैं कि प्रिंसिपल सर है जो
आ चुके हैं, जैसे कि बच्चों ने आरोप लगा रहे थे कि प्रिंसिपल सर हैं जो अपने ऑफिस से बाहर निकल, लेकिन प्रिंसिपल सर आखिर बाहर आए, हम इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं कि जो ये, तो आप बताइए क्या क्या आरोप है, आरोप हम लोग आप बताइए जी। मैं आप क्या नाम हुआ सर आपको? जी मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ। अच्छा, मैं छात्र संघ से 2018 में चुनाव जीतकर यहाँ पर नियुक्त हुआ था। उसके बाद जब हम लोग ने छात्र संघ से जीता था, उसके बाद लड़कियों का SC ST का यहाँ पैसा नहीं लगता था। धरना प्रदर्शन जी, धरना प्रदर्शन इसलिए कि यहाँ न पेयजल की व्यवस्था है, लड़कियों का फीस यहाँ तानाशाही तरीका से लिया जा रहा है। पहले एक क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? सारी बात गलत है। क्या सर से पूछे क्या लड़कियों लोग का पैसा नहीं लिया जा रहा है? ये देखिए आदेश है, अच्छा विश्वविद्यालय का आदेश है, अच्छा छात्राओं और SC ST बॉयज का फी माफ होना चाहिए। फी में एक पैसा नहीं लिया जाता है। एक पैसा नहीं। सुनिए सर, अच्छा ये भी एक कॉलेज है, महंत मधुसूदन MM कॉलेज है। अच्छा यही बच्चे का फीस 210 लिया जा रहा है। अच्छा, तो SC ST बॉय और ऑल गर्ल्स का, अच्छा यहाँ इतना पैसा क्यों लिया जा रहा है बताइए, और सुविधा क्या मिल रहा है ये भी पूछिए। सारी सुविधाएं मिल रही है। जी सर, पीने की पानी की व्यवस्था, इतना छात्र गलत बोल रहा है, चलिए आपको हम दिखाते हैं। पानी पीने की व्यवस्था है? नहीं है। परसों एग्जाम देने आए, पानी लगी तरह से नहीं जी। परसों एग्जाम देने के लिए आए पानी, तब की तब एक सर कह रहे हैं कि पानी पीने की व्यवस्था है। क्या कल तो टूटा हुआ है? कल तो टूटा हुआ है। पानी पूरा गर्म रहता है, अच्छा नहीं पानी साफ नहीं, गंदा, पीने लायक नहीं है। और दूसरा ये आदेश देखिए, ये भी झूठा आदेश है, ये रिद्धि सिद्धि से लेना है मैन पावर, ये भी झूठा आदेश है क्या? अच्छा सर, रिद्धि सिद्धि से मैन पावर लेना, इस पर क्या कहते हैं? मैन पावर ये पुराना कहानी है। अच्छा, पुराना कहानी। हाँ, अभी कोई नया नोटिस नहीं आया है। अच्छा, सुन लीजिए, कोई आदमी को नियुक्ति नहीं हुआ है। इधर जब छात्रों की संख्या बढ़ी तो पिछले विगत महीना से 2 ex-army men को गार्ड के रूप में रखा गया है। और बताइए, और दूसरा क्या आरोप है? हमारा मांग बस वही है कि एक आईडी कार्ड महाविद्यालय दे रही है क्या, पूछिए। अच्छा, परिचय पत्र महाविद्यालय बच्चों को अपने तरफ से नहीं दे रहा, बाहर साहब के पैसे निकाली, सही बात है क्या सर? सब बात गलत है। गलत बात है, ये विद्यालय तरफ से ये सब मिल रहा है तो देख सकते हैं कितने बच्चे सब मिल रहा है क्या आप सबको? रुकिए, हम अपने से कैफे से निकलवाया सर, कैफे से निकलवाया, देखिए कैफे से, देखिए बच्चा कहाँ गया मेरा। अच्छा, ऑनलाइन निकलता है, ऑनलाइन दे रहा हूँ। तो सर इनका कहना है कि हमें तो महाविद्यालय की तरफ से लिया जाए। नहीं, ऑनलाइन पैसा उसका लिया जाता है, ऑनलाइन के लिए बनता है तभी ना निकलता होगा, नहीं बनेगा तो निकलेगा। इनका कहना है कि ये है जो महाविद्यालय को देना चाहिए हमें, लेकिन हमें है जो बाहर से निकलवाना पड़ता है 100 रुपया दे करके। देख सकते हैं कि और यहाँ पे यहाँ के जो कॉलेज के बड़ा बाबू हैं अपने चैम्बर में बैठकर आपको हम देंगे पूरा राजपूत भूमियार, मतलब लेकर ये गाली देते हैं छात्र को, नाम लेकर छात्रों को गाली देते हैं। ये बड़ा बाबू यहाँ पे बनाए गए हैं और ये स्टूडेंट, तो हम यहाँ के स्टूडेंट हैं, गाली देते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, गाली दिया जाता है क्या? फीस माफी करना है, महिलाओं को गाली नहीं दिया जाता। ये देखिए राजभवन से आदेश, अच्छा आइडेंटिटी कार्ड के नाम पर ये 100 रुपया लिया जा रहा है और उसके बाद बच्चे ऑनलाइन बाहर से 50 रुपये लगा रहे, ये बच्चे का शोषण नहीं है तो क्या है? ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी के नाम पर फी है 200 रुपया, क्या लाइन कटने के बाद जनरेटर चलता है? ये लाइब्रेरी का चार्ज 200 रुपया है, चलता है जनरेटर भी चलता है, और सब जो एक भी गलत हम लोग नहीं लेते हैं, क्यों लेंगे पैसा? ये सरकारी संस्था, ये जो आरोप लगा रहे हैं, अरे सब बड़ा बाल बच्चा है, इसलिए हम सबको क्षमा करते हैं। क्षमा करो, प्रदेश के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है? तो देख सकते हैं कि मैं सारी प्रूफ है जो मेरा
सब क्या कहें, जो भी बात है ये जो बात है सब कॉलेज में है, लेकिन तब भी यदि कोई कमी बेसी है तो हम लोग बैठ कर कर देंगे पूरा। जा बात जो कुछ नहीं क्या कहना चाहिए, अगर सर ने हमें आश्वासन दिया है, अच्छा कब तक दिया है, हमें आश्वासन दिया है तो हम सर की बातों को मानेंगे, लेकिन एक सीमित समय। आज हम बीबी कहते हैं कि यदि इस तरह से युव करेगा तो आज मैं इस कॉलेज से इस्तीफा देकर चला जाऊंगा। इस्तीफा देने की तो जरूरत नहीं है, इनकी बस जो समस्या है दर्द इसलिए है कि ई सब जो है ना कुल हमारा जिगर का टुकड़ा है। बात समझ लो, बात समझ लो, हमको इसका तकलीफ है कि जिगर का टुकड़ा है, लेकिन सुन लो बात मेरे बात चोटी लो रहा है सर को। एगो, एगो बात कहो किससे, ये तो मेरा बाल बच्चा जितना जो ये है तो इसकी इसी के लिए ना हम है, ये मेरे लिए है, तो एक दूसरे का प्रश्न समस्याओं को दूर कर दिया जाए सर। चुप रहो तुम, आप सुन लेते सर, सब बात सुन लेते, नहीं आते आपके पास हटा लेते, आप मेरी बात सुन लेते। आप सर ये जो बच्चे तोरा एमएलए ने बनबे के है नहीं देवी तो कैसे सब चीन तब तब तोरा, आप हमारे मालिक हैं, आप हमारे मालिक नहीं है, वो गार्जियन बोलो। ये हमारा जो आदेश आप जो आदेश देते हैं सर, ये बच्चा कितना कष्ट, जो क्षतिपूर्ति जो सब है सब ये करेंगे, तुम लोग जाओ और सब खुशी रहो, छात्र एकता जिंदाबाद, जाओ। प्यारे साथियों, प्राचार्य के जो आप लोगों ने प्राचार्य ने जो आश्वासन दिया है कि मैं ये सारी मांग आपकी पूरी करूंगा, मैं उनको 15 दिन का समय दूंगा, अगर ये मांगे 15 दिन के बाद अंदर पूरी नहीं हुई तो हम फिर आगे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और आप लोग हमारे साथ खड़े होंगे, आप लोग हमारे साथ खड़े होंगे, अगर ये मांग पूरी नहीं हुई तो इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। मैं 15 दिनों का समय उनको देता हूं, अगर 15 दिनों के अंदर ये सारे काम हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो ये आंदोलन फिर चलेगा। आज हम लोग एक ज्ञापन प्राचार्य को सौंपते हैं और 15 दिनों का समय देते हैं, आप लोग राजी हैं? उसके बाद है जो 15 दिन का टाइम देते हैं और 15 दिन बाद है जो अगर जो इनकी मांगों को पूरी नहीं किया गया, स्कूल में जो भी समस्या उनको दूर नहीं किया गया, तो ये दोबारा से धरना प्रदर्शन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।